हाफिजर पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में कैंट सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते को कराए जा रहे 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, महिला NGO आशा ज्योति केंद्र और जिले के बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों द्वारा शेरनी दस्ते को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और NGO के संचालकों द्वारा महिला अपराध, बाल संरक्षण, एंटी रोमियो सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से शेरनी दस्ते को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वह समाज में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव, आशा ज्योति केंद्र प्रबंधक पूजा पांडे, डॉक्टर श्रवण शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, अगर आप देखेंगे UP 112 पहले UP 112 उसका मुख्यालय लखनऊ में है। आप कहीं से फोन करेंगे, आप यहाँ फोन करेंगे आपका कॉल जाएगा लखनऊ, बायपुर से फोन करेंगे लखनऊ जाएगा, कुशीनगर से फोन करेंगे लखनऊ जाएगा, गोरखपुर से फोन करेंगे पहली व्यवस्था क्या आता है जो कॉल टेकर्स होते हैं उनको CO कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ आप कैसे लोग, लेकिन आप इस विभाग में आ गए, आप ठीक से बात करेंगे, उनको अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया गया है कि बहुत लोग बहुत तरीके से क्या वो फोन करेंगे उनके उनके सामने उनकी क्या परिस्थितियाँ हैं, कि परिस्थिति मानसिक तनाव या उनका मानसिक संतुलन या ठीक से जो फोन करने की जरूरत था उसके तहत पूर्वक उनकी बात को सुना जाए। अब लोग UP 112 कभी गए नहीं गए, लेकिन जब भी मौका मिले जब भी लखनऊ जाइए, UP फ्रंटलाइन वॉलियर की तरफ फ्रंटलाइन में काम करता है। अभी इसमें महिला समूह के मामले आपको जैसे जानकारी मिलेगा थाना क्षेत्र में पता, लेकिन श्रेणी मतलब कि मजबूती से आप वहाँ जाएंगे जो बदमाश है और बदमाशों सामने एक श्रेणी तरह पे पेश आएंगे। और ये भी मैं कहूँगा कि जो एक आंतरिक आपकी इच्छा शक्ति होती है, आंतरिक जो मजबूती है वही पीछे झुका है। ये भी कहावत है जो डर गया सो मर गया, पहली मतलब अगर आप डर गए तो आप डरते रहेंगे, एक अच्छा खासा मोशन लेंगे बहुत ढेर सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, पुरुष के साथ जल्दी क्या होता है पब्लिक मिल सकता है, लेकिन महिलाओं के साथ जल्दी उस तरह से जब आप बंदी में हैं बकायदा आप एक अपना राष्ट्रीय का संपादित कर रहे हैं तो जल्दी आपसे प्रेम है, जब आपकी भाषा शैली संयुक्त रहेगा ठीक से आप पेश आएंगे, आप किसी महिला के मामले में आप जाएंगे, मान लीजिए कोई जो है बच्ची है कोई लेडी अपने स्कूल नहीं जा रही है, स्कूल से स्कूल जा रही है, स्कूल छूटा हुआ है, वहाँ भी एंटी होने वाली शिकायतें आती रहती हैं, तरह तरह की शिकायतें आती रहती हैं, कभी चेन स्नैचिंग हो गया, कभी कुछ हो गया, छेड़खानी वाली बातें भी रहती हैं। तो आप लोग के निकलने से क्योंकि बहुत ढेर सारे पहले सीरियल भी आते थे उसमें किरण बेदी की भूमिका में भी बहुत महिलाएं आई, ठीक है बहुत पहले आता था उड़ान करके, तो ये इस खासतौर से इंस्पायरिंग नहीं है, प्रेरणादायक नहीं है, हर चीज़ का आपको स्कोप है भाई, जिस आप जगत जननी है सभी का देखा जाए जो शक्तियाँ हैं जो शक्तियों का केंद्र स्रोत महिलाओं से ही है, ये बातें अनुभूति की है, जितना आप मेरे ख्याल से सचिव महोदय का सफर हो चुका है, संजय भी आपको निश्चित तौर पर अच्छा खासा आपकी भूमिका के बारे में बताया होगा, आपका जो मनोबल है मनोबल बढ़ाने में सके सर से कोई कमी नहीं रहेगी, अपने आप को कभी दीन ही कभी नहीं समझना चाहिए, आप एक अच्छे UP पुलिस बल में विश्व में सर्वोत्तम पुलिस बल के लिए सबसे बड़ा पुलिस बल है, सर्वोत्तम स्कोर ना कहो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है और जिसमें बहुत ढेर सारी विविधताएँ हैं, एकता है बहुत, और ये बहुत ढेर सारे उपलब्ध हैं UP पुलिस बल ने हासिल किया है। जो भी आपको समझ में आया मैडम, ये था कि सरकार ये बना था कि बड़ा हो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताएं अपना अनुभव एक शेयर हम लोग कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा है कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने वो आपको सिखाएंगे, ताकि आगे चलकर भी मिलजुल करके एक कार्य हम लोग कर सकें गोरखपुर से अपराध समाप्ति का की ओर अग्रसर ले सकें। जो शारीरिक हिंसा होती है तो कहते हैं कि शरीर का चोट या घाव तो भर जाता है,
लेकिन जो मन का भाव होता है उसको निकालना बहुत कठिन होता है। पूजा जी के सेंटर पे ये सारे कार्य होते हैं, तो जो अत्यंत भावुक होकर के आपसे आए भी मिलने और बोलेंगे कि मैडम हमारे पति या हमारे रिश्तेदार हमको प्रताड़ित कर रहे हैं अथवा हमारी पुत्री के साथ गलत निगाह रख रहे हैं, तो बहुत ही शालीनता के साथ उनके बातों को पहले सुनना पड़ेगा। के साथ महिलाओं के भी मानवाधिकार की बात कही गई और स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया कि वो कृत्य जो किसी महिला को शारीरिक मनोवैज्ञानिक अथवा आर्थिक रूप से क्षतिकारी करने के उद्देश्य से किया जाता है वो हिंसा के अंतर्गत आता है और ये महिलाओं के मानवाधिकार का मुद्दा है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस पर बहुत बृहद स्तर पर काम किया है, खासकर तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि हर तरह की हिंसा की शुरुआत एक तरह से अगर हम देखें तो घर से ही होती है। मानते हैं आप इस चीज को? हम अपने घरों में ये सिखाते हैं तुम लड़का हो तुम्हें कठोर होना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए, बेसब होना चाहिए, लेकिन इतना भी विनम्र नहीं कि अंग भंग हो जाए लेकिन मौन ना टूटे। तो अभी सब बता रहे थे कि आप लोग मार्शल आर्ट के बारे में भी जानकारी दिए, ये आपके साथ साथ उन तमाम बच्चियों उन तमाम महिलाओं के लिए भी सहायक रहेगा जिन पर इनकी आवश्यकता है। सेल्फ डिफेंस अगर करना आ गया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। ये श्रेणी दस्ते का प्रशिक्षण ये कैन सर्किल का परसों से चल रहा है, आज ऐसे तीसरा ये समापन दिवस है कैन सर्किल का, तो आज 12 से 1 बजे का समय महिला एनजीओ से वार्ता के उनसे चर्चा करने के विषय में था, तो उसी संबंध में खास तौर से एनजीओ की क्या भूमिका होती है, किस तरह से एनजीओ हम लोगों के महिला या श्रेणी दस्ता कैसे इनका सहयोग आपसी आदान प्रदान हो सकेगा, सहयोग का एनजीओ का कंसेप्ट क्या है, बाकी इसमें आशा ज्योति केंद्र के प्रबंधक भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया और ये जिले के बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी डॉक्टर समन शुक्ला भी यहाँ मौजूद थे, तो विभिन्न पहलुओं पर ये श्रेणी दस्ता को प्रशिक्षण दे करके उनका मनोबल बढ़ाने का और उनको प्रशिक्षित करने का हम लोगों ने आज एक काम किया।